हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। मैं हूं आपका करियर कोच ललित भदौरिया। फ्रेंड्स, हमारे साथ हैं हमारे भाई प्रेम सिंह जी। आप अल्मोड़ा उत्तराखंड के रहने वाले हैं। सबसे पहले तो प्रेम सिंह जी, अपना वीज़ा दिखाइए सभी को, ठीक है? प्रेम जी, क्या इससे पहले आप कभी बाहर गए हैं? नहीं सर, इससे पहले नहीं गया था। आपको हमारे बारे में कैसे पता पड़ा था? वो यूट्यूब से पता चला। यस सर। ओके दोस्तों, प्रेम जी का जैसे कि आपने देखा, रोमानिया का एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लग चुका है। रोमानिया अब एक शेंगेन कंट्री बन चुका है, पहले से यूरोपियन यूनियन का मेंबर कंट्री है। और सर, मेरे गृह राज्य यानी कि उत्तराखंड से ही आते हैं, कुमाऊं मंडल से आते हैं, तो और भी खुशी दुगनी हो जाती है कि चलो हमें अपने राज्य के लोगों की सेवा करने का मौका मिल रहा है। प्रेम जी से जानते हैं, प्रेम जी आपको हमारे बारे में पता कैसे पड़ा था? सर, मैं जाना था, मुझे बाहरी यूरोप जाने का था, तो उसमें मैंने देख रहा था, उसमें बहुत सारे ऑफिस वगैरह आए, फिर मैंने इस क्वांटम इंडस के बारे में देखा, तो फिर यहाँ ऑफिस में विजिट किया, आपसे मिला, अच्छा रिस्पॉन्स रहा, अच्छा टीम ने अच्छे से हैंडल किया था हमें। आपका वर्क परमिट आने में लगभग कितना समय लगा था रोमानिया का? सर, 4 से 5 महीने के आसपास में आ गया था। उसके बाद में एम्बेसी में लगभग कितना समय लगा? एम्बेसी में लग गया था 4 महीना, तो पूरा मान के चलो एम्बेसी की थोड़ा डेट एट से ना इस वीजा स्टैंपिंग तक 4 से 5 महीना लग गया था उसमें भी। अच्छा, तो यानी कि वर्क परमिट टाइम पर आ गया था, लेकिन एम्बेसी के अपॉइंटमेंट और स्टैंपिंग में थोड़ा टाइम लगा, राइट? प्रेम जी, हमारे और उत्तराखंड राज्य के भाई या फिर भारत के अन्य राज्यों के भाई जो कि विदेश जाना चाहते हैं, स्पेशली यूरोप जाना चाहते हैं, जैसे कि आप भी फ्रेशर हैं, पहली बार बाहर जा रहे हैं, उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे हमारे लिए? सर, एडवाइस तो ये रहेगा कि अगर आपको यूरोप में जाना है या कहीं गल्फ कंट्री में जहाँ भी जाना है किसी भी भाई को, तो क्वांटम इंडस से आप कॉन्टेक्ट जरूर करना एक बार, देहरादून ऑफिस से या दिल्ली ऑफिस में, टीम अच्छी है, सारी अच्छे से ट्रीट करती है जी। ठीक है दोस्तों, आप सभी की तरफ से मैं प्रेम जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं इनके उज्ज्वल भविष्य के लिए। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।